क्लोरीन रेडिकल हमेशा हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, कार्बन रेडिकल हमेशा क्लोरीन मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ये लास्ट टॉपिक है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमने क्या क्या पढ़ा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम पढ़ेंगे तीसरा पार्ट, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बहुत ही छोटा टॉपिक है, जल्दी कवर हो जाएगा और ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद ये चैप्टर क्लोज हो जाएगी, अगले दिन से हम न्यू चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। उसके पहले मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देती हूँ। ए जो है, अगर आपका बी से जुड़ा हुआ है, ए क्या है, बी से जुड़ा हुआ है और साथ में यहाँ पर सी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सी क्या कर रहा है, बी को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, खुद जाकर वहां पर ए के साथ आपका जुड़ जा रहा है, ठीक है। ए के साथ सी क्या हो रहा है, जुड़ जा रहा है, बी को वहां पर सब्स्टिट्यूट कर दे रहा है, रिप्लेस कर दे रहा है। तो ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पर सी क्या है, सी जो है अटैकिंग स्पीसीज है, वो क्या कर रहा है, बी को इस ए से निकालकर खुद आकर जुड़ गया। तो ये क्या कर रहा है, सी इस बी को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर ये सी न्यूक्लियोफाइल होगा तो यहाँ पर कौन सा सब्स्टिट्यूशन होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर ये सी इलेक्ट्रोफाइल होगा तो कौन सा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर ये सी फ्री रेडिकल होगा तो कौन सा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में SN1 SN2 मैंने बता दिया, इलेक्ट्रोफिलिक में मैंने काफी कुछ बताया, एरोमेटिक कंपाउंड्स में हैलोजिनेशन वगैरह सब मैंने बताया आपको, ठीक है, सल्फोनेशन नाइट्रेशन सब बताया मैंने। तो अब हम पढ़ेंगे इस सी की जगह पर अगर हम फ्री रेडिकल ले लें तब क्या होगा। जब हम फ्री रेडिकल ले लेंगे तब जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी वो होगी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इज दैट क्लियर, मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि ऐसा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें आपका रिएक्टिव इंटरमीडिएट क्या है, फ्री रेडिकल, ठीक है। इस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम फ्री रेडिकल को इन्वॉल्व करेंगे। अभी तक हम क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल को इन्वॉल्व कर रहे थे, लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में फ्री रेडिकल का क्या रोल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसका डिफिनेशन वगैरह लिख दिया है, एग्जाम्पल लिख दिया है, चलिए देख लेते हैं। अ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच द रिएक्टिव इंटरमीडिएट इज फ्री रेडिकल, ठीक है। ऐसा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें आपका रिएक्टिव इंटरमीडिएट, मतलब इसमें जो अटैकिंग स्पीसीज होगी, अटैकिंग आयन होगा, वो मतलब क्या होगा, वो आयन नहीं होगा, वो रेडिकल होगा, ठीक है। इसमें आपका इलेक्ट्रोफिलिक में क्या था, इलेक्ट्रोफाइल आ रहा था, न्यूक्लियोफिलिक में क्या था, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा था सब्सट्रेट पर, बट इस केस में फ्री रेडिकल सब्सट्रेट पर अटैक करेगा, तो उसको बोलेंगे इस तरह के सब्स्टिट्यूशन को फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एग्जाम्पल, ये तो ये समझ में आ गया आपको कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऐसा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें आपका इंटरमीडिएट क्या बनेगा, फ्री रेडिकल बनेगा, फ्री रेडिकल के द्वारा सब्स्टिट्यूट होगा, ठीक है। फ्री रेडिकल क्या करेगा, सब्सट्रेट में अटैक करेगा और सब्सट्रेट से आपका फ्री रेडिकल को बाहर निकालेगा, खुद आकर वहां पर जुड़ जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका एग्जाम्पल है, जो फेमस एग्जाम्पल है वही मैं यहाँ पर बता रही हूँ, जो एग्जाम में मोस्टली आते हैं, ठीक है, कंपटीशन में, रेगुलर के एग्जाम में मोस्टली यही एग्जाम्पल आता है, द इंट्रैक्शन ऑफ मिथेन एंड क्लोरीन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट और सन लाइट इज अ सिंपल एग्जाम्पल ऑफ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। यहाँ पर किसका इंट्रैक्शन हम करा रहे हैं, मेथेन का रिएक्शन कराएंगे क्लोरीन गैस के साथ, किसके प्रेजेंस में कराएंगे, अल्ट्रावायलेट लाइट लो या सनलाइट लो, ठीक है, दोनों एक ही चीज है, या हीट ले सकते हैं आप। तो उस केस में आपका फ्री रेडिकल डेवलप होगा और वहां पर जो सब्स्टिट्यूशन होगी वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगी, ठीक है। तो आपका एग्जांपल भी यहाँ पर दिया हुआ है, मेथेन का अगर क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं लाइट के प्रेजेंट में, एच न्यू क्या है, फोटोन लाइट को बता रहा है, ठीक है, उसके बाद लाइट एनर्जी को बता रहा है, ये रेडिकल जब भी आप देखोगे एरो के ऊपर, इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्शन में रेडिकल डेवलप हो रहा है, एरो के ऊपर जब भी एच न्यू देखोगे इसका मतलब कि रिएक्शन में रेडिकल डेवलप हो रहा है। तो यहाँ पर आपका जो मेन प्रोडक्ट है वो बनेगा कार्बन टेट्राक्लोराइड और साथ में 4HCl। ये कैसे बनेगा, मैकेनिज्म वगैरह सब मैं डिटेल से आपको बताऊंगी, इसका मैकेनिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आता है कि मेथेन अगर हाई अमाउंट ऑफ क्लोरीन से रिएक्शन करता है तो क्या होता है, उसका मैकेनिज्म बताइए, तो ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल तो यहाँ तक समझ में आ गया आपको फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, उसका एग्जाम्पल क्या होता है। अब जरा यहाँ पे एक और मैं आपको बात बता देती हूँ कि एच न्यू अगर दिया हो एरो के ऊपर, या डेल्टा का साइन दिया हो, या टेम्परेचर लिखकर दिया हो 2200-1500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया हुआ हो, ठीक है, अगर आपका पर ऑक्साइड दिया हुआ हो, पर ऑक्साइड
ऐसी चीजें दी हुई होगी, इसका मतलब रिएक्शन में आपका क्या बन रहा है, फ्री रेडिकल डेवलप हो रहा है। अगर आपका इस तरह का एरो के ऊपर दिया होगा एच न्यू डेल्टा टेम्परेचर या परोक्साइड, इसका मतलब रिएक्शन में फ्री रेडिकल डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका पहचानने का तरीका है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। एक और चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ कि आपने कॉस्मेटिक्स वगैरह देखा होगा, अगर आप यूज कर रहे करते होंगे कॉस्मेटिक्स वगैरह, या तो आप जो फाउंडेशन की बोतल आती है या क्रीम की जो बोतल आती है, या आप कोई भी कॉस्मेटिक देख लो या कोई दवाई देख लो, कोई मेडिकल का जो दवाई हम लोग लेते हैं, जैसे खांसी की दवा हो गई या कोई भी बुखार की दवा, कोई भी आप दवाई देख लो, उसके पीछे बोतल में लिखा रहता है स्टोर इन कूल प्लेस एंड ड्राई प्लेस। ठीक है, मतलब इसको ठंडे जगह पर रखिए, इसको सूखी जगह पर रखिए, इसको लाइट से दूर रखिए, सन लाइट में इसको मत रखिए, ऐसे उस बॉक्स के उस बॉटल के पीछे लिखा रहता है। ऐसा क्यों लिखा रहता है, क्योंकि उन बॉटल्स में केमिकल्स है, और अगर इन केमिकल्स को हम डायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं या गर्म जगह पर रखते हैं, ठीक है, कूल नहीं, गर्म जगह पर अगर रख दे या सनलाइट में डायरेक्ट रख दे, तो वहां पर फ्री रेडिकल डेवलप होने लगते हैं। फ्री रेडिकल डेवलप होगा तो वहां पर रेडिकल्स की वजह से बहुत सारे रिएक्शंस होने लगते हैं, जैसे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, तो वहां पर बहुत सारे रिएक्शंस होने लगते हैं, जिसकी वजह से आपकी दवाई खराब हो जाती है। जो उसको काम करना चाहिए उस दवाई को या उस कॉस्मेटिक्स को, वो काम नहीं कर पाती है। ठीक है, वो खराब हो जाती है, कुल मिला के वो खराब हो जाती है, वो काम नहीं कर पाती। इसलिए बॉटल्स के पीछे, चाहे वो कॉस्मेटिक्स हो, चाहे वो मेडिकल का सामान हो, चाहे वो आप बहुत सारे सामान अपने घर में देख सकते हैं, उसके पीछे लिखा रहता है उस बॉटल के पीछे कि आप इन्हें ठंडे जगह पर, सूखे जगह पर, सूरज की रोशनी से दूर रखिए और ठंडे जगह पर रखिए, ताकि वहां पर फ्री रेडिकल्स आपका ना बने। इज दैट क्लियर? मैंने सोचा कि चलो उसको बता देती हूँ, शायद आपको पता होगा ये बात, फिर भी मैंने सोचा कि चलो बता देते हैं। ठीक है, तो ये आपका फ्री रेडिकल ना बने, इसलिए वहां पर बॉटल के पीछे लिखा रहता है कि ठंडे जगह पर और डायरेक्ट सनलाइट में इसे ना रखें, स्पेशली मेडिकल के जो सामान होते हैं, खांसी की दवा वगैरह, उसमें आप देखना। ठीक है, तो ये रिएक्शन है द इंट्रैक्शन ऑफ मेथेन, मेथेन का रिएक्शन हो रहा है क्लोरीन गैस के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट रहेगा, इसका मतलब ये हुआ कि फ्री रेडिकल डेवलप होगा, तो इसको बोलेंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसका एग्जाम्पल ये है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर एक्सेस लिखा है, इसलिए यहाँ पर CCl4 बन रहा है, एक्सेस नहीं लिखा रहेगा तो यहाँ पर CHCl3 बन जाएगा। ठीक है, इसलिए एक्सेस लिखने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर सारे के सारे हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए इस क्लोरीन के वजह से, किसके हाइड्रोजन, इस मेथेन के हाइड्रोजन, सारे हाइड्रोजन रिप्लेस होकर वहां पर क्लोरीन का फ्री रेडिकल आके जुड़ गया और CCl4 आपका बन गया। तो इतना तक क्लियर हो गया। अब इसी रिएक्शन को, ये जो आप रिएक्शन देख रहे हो, इसी रिएक्शन को मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ, सी यहाँ पे ओ और कर देंगे, CH4 का रिएक्शन अगर हम कराएं Cl2 से HNu के प्रेजेंट में। ठीक है, इसी रिएक्शन को मैं इस फॉर्म में लिख रही हूँ। ठीक है, CH4 का रिएक्शन कराएं Cl2 से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो यहाँ पर क्या होगा कि एक क्लोरीन का रेडिकल यहाँ से निकलेगा, दो क्लोरीन निकलेंगे। ठीक है, दो क्लोरीन रेडिकल यहाँ पे बनेंगे, ऐसे ClCl है तो एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा। फ्री रेडिकल क्या होता है, उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, सब कुछ मैंने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा दिया है। ठीक है, तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपको ये सब पता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जो आपका दो क्लोरीन के यहाँ पे फ्री रेडिकल्स बनेंगे सनलाइट के प्रेजेंट में। ठीक है, क्यों, क्योंकि एच न्यू आएगा, सनलाइट आएगा, सन एनर्जी आएगी, जो फोटोन की एनर्जी होती है वो आएगी और क्या करेगी, इस सिंगल बॉन्ड को वाइब्रेट कर देगी। जब ये वाइब्रेट करने लगेगा तो एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों क्लोरीन आपका ले लेगा और क्या डेवलप होगा, फ्री रेडिकल। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एक क्लोरीन का फ्री रेडिकल क्या करेगा, इस हाइड्रोजन के एक रेडिकल को CH3 और एक हाइड्रोजन इस तरह से होगा, तो ये भी तो आपका सनलाइट की वजह से इफेक्ट आएगा, इसमें भी केवल क्लोरीन में थोड़ा नहीं इफेक्ट आएगा, इसमें भी इफेक्ट आएगा, ये भी रेडिकल डेवलप करेगा और CH3 और H रेडिकल बनेगा। ये एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो CH3 मेथिल रेडिकल और यहाँ पे हाइड्रोजन का एक रेडिकल बन जाएगा। सनलाइट केवल यही थोड़ा लेगा, ये भी तो लेगा ना मेथिल, तो वहां पर भी रेडिकल आपका डेवलप हो जाएगा। तो एक हाइड्रोजन का रेडिकल एक क्लोरीन के रेडिकल के साथ मिलकर क्या बना लिया, माइनस HCl बना लिया, और एक क्लोरीन रेडिकल बचा और यहाँ पर भी फ्री रेडिकल बचा हुआ है तो CH3 वो Cl बन गया, मतलब इसका एक क्लोरीन और इसका CH3 रेडिकल मिलकर CH3Cl बना लिया। समझ आ गया, कब ऐसा होगा, जब हम क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल लेंगे, लेकिन जैसे ही हम एक्सिस ले लेंगे क्लोरीन का, तो ये रिएक्शन फिर से आगे बढ़ने लगेगी, कहां तक बढ़ेगी, यहां तक बढ़ेगी। ठीक है, अगर आप क्लोरीन को लिमिटेड अमाउंट में लेंगे तो यही तक बनेगा, लेकिन आप क्लोरीन को एक्सेस अमाउंट में लेंगे
तो ये रिएक्शन यहाँ पर कंप्लीट होगी, यहाँ पर कंप्लीट नहीं होगी, याद रखिएगा। अब क्या करेंगे, फिर से Cl2 का मॉलिक्यूल अटैक करेगा HNO के प्रेजेंट में। एक एक हाइड्रोजन आपको कम करते जाना है, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, यहाँ 3 हाइड्रोजन है, फिर यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, और क्लोरीन की संख्या आपको बढ़ाते जा रही है। यहाँ पे 0 क्लोरीन है, यहाँ पे 1 क्लोरीन है, यहाँ पर 2 क्लोरीन। ये याद करने का तरीका है, ठीक है, शॉर्टकट तरीका। तो यहाँ पर फिर से Cl2, फिर HNO, फिर यहाँ पर माइनस HCl निकल गया बाहर, ठीक है। फिर क्या होगा कि फिर से आपका हाइड्रोजन क्या हो रहे थे, कम हो रहे थे, 3 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 1 CH, क्लोरीन बढ़ रहा था, 0 क्लोरीन, 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 3 क्लोरीन, ठीक है, याद करने का तरीका। आगे फिर क्या है आपका, फिर से Cl2, क्योंकि एक्सेस लिया है आपने क्लोरीन गैस को, तो क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पर जो हाइड्रोजन एक बचा है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, 4 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, और यहाँ 1 हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन बिल्कुल खत्म, क्लोरीन 4, 0 क्लोरीन, 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 3 क्लोरीन, अब 4 क्लोरीन, पूरा का पूरा हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन फ्री रेडिकल ने रिप्लेस कर दिया और खुद आकर वहां जुड़ गया। तो क्या बन गया, CCl4 HCl, ठीक है, ये चीज। अब जरा आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखिए और इस रिएक्शन को ध्यान से देखिए, अब बताइए कैसे बनाइए। यहां पर देखिए CH4 CH4, Cl2 के कितने मॉलिक्यूल यूज हुए हैं, 1 2 3 4, यहाँ कितने दिए हुए हैं, 4 मॉलिक्यूल। HNO तो आप एक ही लिखेंगे, अब उसको 4 आप नहीं लिखेंगे, ठीक है। HCl कितने निकल रहे हैं, 1 2 3 4, 4 HCl निकल गए। अब यहाँ पर जो CH3 है यही ब्रेक करके फिर आगे बढ़ रहा है ना, उसके बाद ये ब्रेक करके ये, फिर ये ब्रेक करके ये, लास्ट का जो मेन प्रोडक्ट है वो CCl4 यहाँ पर बनेगा। तो आपने यहाँ पर बना दिया, ठीक है। मतलब ये कि CH4 का आपने 4 मॉलिक्यूल Cl2 का लिया, तो आपका ओवरऑल जो प्रोडक्ट बनेगा वो है CCl4 और 4 HCl का मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर अगर एक्सेस लिखा रहेगा या एग्जाम में पूछेगा कि एक्सेस अमाउंट ऑफ क्लोरीन का रिएक्शन मेथेन से करा है, तब आप ये चीज आप बनाएंगे। एग्जाम में अगर पूछता है कि मेथेन का रिएक्शन अगर हम एक्सेस अमाउंट ऑफ क्लोरीन से कराते हैं तो क्या होता है, तब आप प्रोडक्ट में CCl4 और 4 HCl बनाएंगे। लेकिन एक्सेस नहीं लिखा है एग्जाम में या लो अमाउंट ऑफ क्लोरीन लिखा है, तो आप CH3Cl तक स्टॉप कर जाएंगे, मतलब ये वाला जो रिएक्शन है यहीं तक आप रुक जाएंगे, पहले वाला स्टेप, ठीक है, यहीं तक आप रुक जाएंगे। मतलब CH4 का जब Cl2 से रिएक्शन होगा तो CH3Cl बनेगा, बस रुक गया रिएक्शन यहीं तक, जब हम Cl को कम लेंगे, क्लोरीन को कम लेंगे तब। लेकिन जैसे हमने क्लोरीन का अमाउंट बढ़ा दिया, तो उस केस में जो आपका प्रोडक्ट बनेगा CH3Cl, ये वापस क्लोरीन के मॉलिक्यूल से रिएक्शन करने लगेगा और आपका रिएक्शन आगे बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। फिर प्रोडक्ट बना, फिर वो रिएक्शन किया क्लोरीन से, फिर प्रोडक्ट बना, फिर वो क्लोरीन से रिएक्शन किया, तब तक होगा जब तक कि सारा हाइड्रोजन आपका निकल ना जाए और क्लोरीन वहां पर एड ना हो जाए। तो आपका ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। अगर ये नहीं दिया है तो यहीं तक रिएक्शन को स्टॉप कर देंगे, यहां तक, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये आपका जो रिएक्शन है, ये वाला ऊपर वाला, ये बैलेंस इक्वेशन है ना, पहले इसको चेक कर लो बैलेंस है कि नहीं। 1 कार्बन 1 कार्बन, हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 4, क्लोरीन कितना है, 8 4 एंड 4 8, मतलब बैलेंस है, ठीक है, इसका मतलब आपका रिएक्शन सही है। अब इसी रिएक्शन को जो ये मैंने लिखा है, इसी रिएक्शन को हम ऐसे कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो रिएक्शन है देखो यहाँ पर मैंने और लिखा है, मतलब इसी रिएक्शन को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये कोई अलग रिएक्शन नहीं है, ये कोई अलग रिएक्शन नहीं है। जस्ट लाइक मैकेनिज्म में आपको बताएंगे चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपगेशन, चेन टर्मिनेशन, वो अलग है, लेकिन यहाँ पे आप जो देख रहे हो ये मैं बता रही हूँ आपको, जब एक्सेस सीएल लेते हैं तो क्या बनता है, एक्सेस हम क्लोरीन लेंगे तो पहला प्रोडक्ट बना, फिर वो क्लोरीन से रिएक्शन किया, दूसरा बना, फिर वो क्लोरीन से रिएक्शन किया, तीसरा बना, फिर क्लोरीन से रिएक्शन किया और चौथा बना। तो ये आपका जो रिएक्शन ऊपर वाला लिखा है, ये वही इसी रिएक्शन का वो भाग है, मतलब एक दूसरे के क्या है, क्या बोलते उसको, पर्यायवाची, ठीक है। मतलब ये जो ऊपर जो रिएक्शन लिखा है और ये जो नीचे रिएक्शन लिखा है, दोनों सेम ही रिएक्शन है, ये मैं आपको सिखाना चाहती हूँ कि दोनों सेम ही रिएक्शन है। ये पूरा खोल कर मैंने बनाया है और इसे मैंने डायरेक्ट बनाया है, बस यही अंतर है। ये मैंने समझाने के लिए कि CCl4 कैसे बना, इसलिए मैंने ये पूरा लंबा रिएक्शन लिखा कि CCl4 कैसे बना, ठीक है, समझ में आ गया ना। अभी मैं मैकेनिज्म भी बताऊंगी कैसे बनता है, हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले इसको अगर मैं दिखाऊं आपको खोल कर एक बार कि कैसे, इसको भी आप खोल सकते हो, इसको खोल कर आपने ये बनाया, इसको भी खोल कर आप नीचे वाला जो मैं बना रही हूँ उसको देखो। CH4 इसका रिएक्शन Cl2 से कराएंगे HNO के प्रेजेंट में पहला, ठीक है।
तो ये मैकेनिज्म में नहीं है, ये रिएक्शन है, ठीक है। सी एच फोर सी एल टू सिलेक्शन कराएंगे HNO के प्रेजेंट में, तो सी एच थ्री सी एल प्लस एच सी एल। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन चार है, एक हाइड्रोजन कम हो गया, सी एच थ्री बन गया, क्लोरीन यहाँ पर एक जुड़ गया, यहाँ पे जीरो क्लोरीन है, यहाँ पे एक क्लोरीन है, इस तरह से आप जोड़ते जाएंगे, ठीक है। दूसरे स्टेप में क्या होगा, सी एच थ्री सी एल फिर से क्लोरीन से रिएक्शन करेगा। अभी आप देखते जाओ, सेम यही वाला रिएक्शन आपका ऊपर वाला ही रिएक्शन आ जाएगा नीचे भी, बस मैं आपको और, जिसे मैंने इसको, ये बिल्कुल छोटा सा रिएक्शन था, इसको मैंने थोड़ा खोला तो ये बना, इसको और खोलेंगे तो ये वाला रिएक्शन बनेगा, ये तीनों का तीनों एक ही रिएक्शन है। इज दैट क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका दूसरे दूसरा जो है रिएक्शन क्या होगा, सीएल से सीएल, सीएल टू रिएक्शन क्या, एक हाइड्रोजन फिर से कम कर दो तो सी एच टू, और एक क्लोरीन फिर से बढ़ा दो सी एल टू, और फिर एच सी एल, यही करते जाना है, हाइड्रोजन कम करते जाना है और क्लोरीन को बढ़ाते जाना है, ठीक है, रिएक्शन में। तीसरा, अब ये जो सी एच टू सी एल टू बना है, ये फिर से आपका क्लोरीन से रिएक्शन करेगा एच एन के प्रेजेंट में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, फिर हाइड्रोजन कम कर दो सी एच और क्लोरीन को बढ़ा दो, हाइड्रोजन यहाँ पे दो है तो एक कर दो, क्लोरीन दो है तो तीन कर दो, इसी तरीके से करते जाना है, कब तक, जब तक कि सारा हाइड्रोजन आपका खत्म ना हो जाए तब तक। मेरी बात समझ में आ रही है ना कि अब क्या बोल रही हूँ, कि केवल आप लोग बैठ के सुन रहे हो। फिर से ये सी एच सी एल थ्री क्लोरीन से रिएक्शन किया एच एन यू के प्रेजेंट में, तो क्या हुआ कि एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, वो भी हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा क्लोरीन से, और सी सी एल फोर बन जाएगा और एच सी एल। समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ, ये आपका जो रिएक्शन मैंने लिखा है, इस रिएक्शन को मैंने खोलकर इस तरह का लिख दिया, दोनों सेम रिएक्शन है। अब ये जो रिएक्शन लिखा है, कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे इससे भी, इसलिए मैंने इसको पूरा खोलकर इस तरह से लिख दिया है, ताकि आपके दिमाग में थोड़ा सा भी कंफ्यूजन ना रहे कि सी सी एल फोर कैसे बना है। मैकेनिज्म आपको आगे बताऊंगी, इसका टेंशन मत लो। तो ये सी सी एल फोर आके बना कैसे, इस मेथड से मैंने बताया। अब इससे भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इस मेथड से आप समझ सकते हैं। आपको समझाने के लिए मैंने इस रिएक्शन को और थोड़ा खोल दिया, इसको शॉर्ट करेंगे तो ये बनेगा रिएक्शन, इस रिएक्शन को शॉर्ट करेंगे तो ये वाला रिएक्शन बनेगा। तो एग्जाम में सारे लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में केवल यही लिखिए या ये लिखिए या ये लिखिए, तीनों में से कोई एक रिएक्शन ही लिखिए, साथ में मैकेनिज्म दे दीजिए, ठीक है, और थोड़ा वर्डिंग वगैरह से लिख दीजिए तो हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या है, ये वाला जो रिएक्शन है इसको मैंने और खोल दिया आपका, ठीक है। तो आपका सी एच फोर सी एल टू से रिएक्शन किया एक मॉलिक्यूल से HNO, अब यहाँ पर सी एल टू एक्सेस अमाउंट में है, चार मॉलिक्यूल देख रहे हो ना, एक्सेस है। फिर यहाँ पर सी एल थ्री सी एल बना, एक हाइड्रोजन कम हो गया और एक क्लोरीन जुड़ गया, जीरो क्लोरीन है यहाँ पे, एक क्लोरीन जुड़ गया, चार हाइड्रोजन थे तीन हाइड्रोजन हो गए, तो क्लोरीन बढ़ाते जाना है, हाइड्रोजन कम करते जाना है। इस केस में फिर से जो बना आपका प्रोडक्ट, फिर से क्लोरीन से रिएक्शन किया तो आपका हाइड्रोजन एक कम हो गया, क्लोरीन बढ़ गया। फिर यही वाला जो है फिर से रिएक्शन करेगा सी एल टू से, फिर क्या होगा, हाइड्रोजन फिर कम हो गया, क्लोरीन फिर से बढ़ गया। फिर यही वाला सी एल टू रिएक्शन करेगा तो फिर क्या होगा, फिर हाइड्रोजन कम हो गया, जीरो हो गया हाइड्रोजन, ठीक है, एक यहाँ पे था यहाँ पे जीरो हो गया, फिर क्लोरीन यहाँ पे तीन था एक चार हो गया, मतलब ये प्रोडक्ट आपका बन गया। इसी को बनाना था ना, हम इसी को बनाकर दिखाना था ना कैसे बना, तो ये फाइनली आपका बन गया प्रोडक्ट, ठीक है। तीनों एक ही रिएक्शन है, बस मैंने खोल कर बना दिया, ये थोड़ा मैंने शॉर्टकट बनाया, ये मैंने थोड़ा सा खोला आपको समझाने के लिए, और ये मैंने पूरा खोल दिया ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि सी सी एल फोर बना कैसे, ठीक है। अब देखो जरा कैसे होगा। अब इस रिएक्शन को अगर मैं शॉर्ट में करूं, समरी में करूं, समराइज कर दूं, तो ये रिएक्शन कैसे बनेगा, जरा इस पर ध्यान दीजिए। इसको मैं शॉर्ट में करके इस रिएक्शन में कैसे लाती हूँ उसको देखिए आप। सी एच फोर सी एल टू सिलेक्शन किया तो सी एस थ्री सी एल बना, फिर वापस से अपने सी एस थ्री सी एल लिखा, इसका मतलब ये एरो किधर है और ये एरो किधर है, तो कैंसिल आउट हो गया। ये एरो किस साइड है, ये एरो किस साइड है, सेम प्रोडक्ट है, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। फिर आगे देखो यहाँ पर सी एच टू सी एल टू सी एच टू सी एल टू, एरो किधर है, ये एरो किधर है, कैंसिल आउट हो गया। सी एच सी एल थ्री सी एच सी एल थ्री, एरो किधर है, एरो किधर है, कैंसिल आउट हो गया। अब जितना बचा है उसको आप नोट कर लीजिए, अब इस रिएक्शन में जितना बचा है उसको आप नीचे नोट कर लीजिए। तो मेन जो रिएक्शन होगा, मेन मेन रिएक्शन, ठीक है, मेन रिएक्शन क्या होगा, क्या क्या बचा है, सी एच फोर बचा है, ये कैंसिल आउट नहीं हुआ भाई, सी एच फोर बचा, अब क्या बचा, क्लोरीन बचा, यहाँ पर भी बचा है, यहाँ पर भी। अब क्लोरीन यहाँ पे होता तो कैंसिल आउट हो जाता है, यहाँ पे क्लोरीन है ही नहीं, यही पे क्लोरीन है एरो के इस साइड, तो हम सबको ऐड करेंगे, कैंसिल आउट नहीं करेंगे। कैंसिल आउट कब करेंगे, जब वो एरो के इधर और एरो के इधर होता तब, लेकिन सब के सब एक ही साइड में है तो सबको हम ऐड करेंगे, वन सी एल टू टू सी एल टू थ्री सी एल टू फोर सी एल टू फोर सी एल टू एरो एच नी, ठीक है। अब एरो के इस साइड देखिए जरा क्या क्या बचा हुआ है,
CCl4 बचा हुआ है, CCl4 साथ में क्या बचा हुआ है, 1HCl, 2HCl, 3HCl, 4HCl, 4HCl। तो अब जरा इसको देखो, CH4 ये जो रिएक्शन है ये सेम टू सेम ये रिएक्शन है कि नहीं, ये जो मैंने रिएक्शन लिखा ये सेम टू सेम ये रिएक्शन है कि नहीं, है ना। CH4 4Cl2 4Cl2 HNu CCl4 4HCl। मतलब ये कि इस तरह से आप बताएंगे, अगर आपको मैकेनिज्म याद नहीं आ रहा है चेन इनिशिएशन टर्मिनेशन वगैरह का, तो आप इस तरह से भी लिख देंगे ना, तो एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स दे देगा, ठीक है। अगर मैकेनिज्म पूछता है स्पेस में तब आप मैकेनिज्म करके जरूर आना, नहीं तो नहीं पूछेगा, तो आप इतना भी बता देंगे तो फुल बे फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो पूरा रिएक्शन मैंने आपको बताया इसका पूरा शॉर्टकट ये हो गया, ठीक है। इस तरह से भी आप लिख सकते हो और इस तरह से भी लिख सकते हो, इसमें कैंसिल आउट करके मैंने नहीं दिखाया था, लेकिन इसमें कैंसिल आउट करके दिखाया। तो जल्दी से इसको नोट कर लो, नहीं समझ में आया तो कमेंट करना, मैं इसको फिर से बताऊंगी, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो ये जो आपका रिएक्शन है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आता है, पूछेगा कि आपका मेथेन का रिएक्शन जब हम क्लोरीन के एक्सेस अमाउंट से करते हैं तो चार ऑप्शन दे देगा, पूछेगा इनमें से कौन सही है, कौन बनता है, कौन सा प्रोडक्ट बनता है। तो अगर वहां पे CCl4 नहीं दिया हुआ है तो आप तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि CCl4 तो बन ही नहीं रहा है, लेकिन CCl4 नहीं दिया तो कुछ और भी तो दिया होगा ना जो उसमें रिएक्शन में बन रहा है, जैसे आपका CHCl3 बनता है, जैसे आपका CH2Cl2 बनता है, जैसे आपका CH3Cl बनता है। तो ये जो प्रोडक्ट्स है ये आप कैसे भूल सकते हो, तो यही केवल नहीं बनता है, ये सब भी बनता है आपके इस रिएक्शन में, ठीक है। तो अगर ऑप्शन में ये नहीं दिया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, केवल इनमें से कोई एक दिया है तो उस पर आप टिक कर सकते हो, ठीक है। अगर ये नहीं दिया है तो, ये दिया है तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो आपका ऑब्जेक्टिव में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो इसके बीच में, इसके बीच, इस रिएक्शन के बीच में बहुत सारे प्रोडक्ट आपके बन रहे हैं, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है, कि कौन कौन से प्रोडक्ट इसके बीच में बन रहे हैं। तो एक चार्ट के फॉर्म में मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछता है, हर साल पूछता है ये, ठीक है। तो इसलिए अच्छे से नोट करते चलो, CH4 का रिएक्शन जब Cl2 से कराते हैं, ठीक है, HNu के प्रेजेंट में, तो क्या होता है, कौन कौन सा प्रोडक्ट आपका बनता है, उसका मैं चार्ट आपको बना देती हूँ ताकि आपको याद रहे, नोट कर लो उसको अच्छे से, ठीक है, कॉपी में। तो CH4 का रिएक्शन Cl2 से होता है इन एक्सेस अमाउंट, ठीक है, एक्सेस अमाउंट में अगर Cl2 को लेते हैं तो पहला प्रोडक्ट क्या होता है, हाइड्रोजन एक कम होगा और वहां पर एक क्लोरीन जुड़ जाएगा, मतलब एक हाइड्रोजन कम और एक क्लोरीन ऐड हो जाएगा, ये पहला प्रोडक्ट बना। इसके पहले मैंने जो आपको रिएक्शन इतना लंबा कराया उसको आप ध्यान से याद करिए, पहले स्टेप में क्या हो रहा था, पहले रिएक्शन में क्या हो रहा था कि एक हाइड्रोजन कम हो रहा था और एक क्लोरीन ऐड हो रहा था, तो पहला प्रोडक्ट आपका ये बन रहा था। दूसरा प्रोडक्ट क्या बन रहा था, फिर एक हाइड्रोजन कम और एक क्लोरीन ऐड हो जा रहा था, तो CH2Cl2। फिर तीसरा प्रोडक्ट क्या बन रहा था, फिर एक हाइड्रोजन कम और एक क्लोरीन ज्यादा, और चौथा प्रोडक्ट क्या बना था, फिर हाइड्रोजन कम, मतलब पूरा का पूरा हाइड्रोजन खत्म और क्लोरीन एक और बढ़ गया। तो ये चार प्रोडक्ट आपके मेन बन रहे थे उस रिएक्शन में, ठीक है, अब इसके पहले जो मैंने आपको बताया था। लेकिन इस इन चारों के साथ साथ आपका एक और प्रोडक्ट भी बनता है, CH3 क्या है ये, एथेन, क्या बना आपका, C2H6 बना। तो अगर आपका स्पेशली यही वाला क्वेश्चन आता है, आपका ये रिएक्शन दे देगा, ऑब्जेक्टिव वाले में बात कर रही हूँ मैं, कि ये रिएक्शन दे देगा और चार ऑप्शन दे देगा आपका, एक देगा आपका अगर CH4 से Cl2 का रिएक्शन कराते हैं तो दे देगा आपका C2H4, ठीक है, या आपका दे देगा C2H6, बहुत सारे यहाँ पे एल्केन लिख के आपको दे देगा चार ऑप्शन में। तो आप तो सोचेंगे कि CH2Cl2 का रिएक्शन कराते हैं तो ये सारे प्रोडक्ट बनते हैं ना, क्लोरीन ऐड होता है सब में तो ये प्रोडक्ट बनते हैं, लेकिन ऑप्शन में तो ऐसा कोई दिख ही नहीं रहा है, सब के सब एल्केन दिख रहे हैं, एल्कीन दिख रहा है C2H4, फिर मान लो C3H3 से दे दिया आपका, ठीक है, C2H आपका C2H2, ठीक है, एसिटिलीन दे दिया, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे वहां पर कि यहाँ पे तो क्लोरीन ऐड ही नहीं है तो आपका कहाँ से प्रोडक्ट आपका बनेगा, ठीक है। तो वहां पे कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, आपको जब मैं मैकेनिज्म बताऊंगी तब वहां पे क्लियर होगा कि मैकेनिज्म के लास्ट में चेन टर्मिनेशन में आपका एथेन भी बनता है, C2H6 भी बनता है। तो जब भी हम मेथेन का रिएक्शन क्लोरीन से कराते हैं इन एक्सेस अमाउंट में तो ये प्रोडक्ट्स आपके बनते हैं, पहला आपका ये CH3
H3Cl, CH2Cl2, CHCl3, CCl4 या एथेन CH3CH3। ये आपका इम्पोर्टेंट है ये वाला, क्योंकि ये तो सबको पता है कि ये बनेगा, क्लोरीन से रिएक्शन करेगा तो। लेकिन ये जो होते हैं बहुत बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि ये बनेगा कि नहीं बनेगा, और ऑप्शन में यही दिया होता है, ये चारों नहीं दिया होता है। ये दिया रहेगा साथ में आपका एसिटिलीन या एथीन, इस तरह से दिया होगा, साथ में आपका एथेन भी दिया होगा, तो आप एथेन पर ही टिक करेंगे और किसी पर नहीं। तो अब क्यों करेंगे, ये मैकेनिज्म से हम समझेंगे कि एथेन कैसे बनता है इस रिएक्शन में, चेन टर्मिनेशन में, चेन लास्ट लास्ट स्टेप जो होगा आपका चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपगेशन और चेन टर्मिनेशन। तो चेन टर्मिनेशन में आपका ये एथेन प्रोडक्ट आपका बनता है, तो यही एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, यही आता है। ये चारों देगा तो आप कर ही लोगे आराम से, लेकिन एग्जामिनर क्या करता है कि आपका CH4Cl2 का रिएक्शन कराते हैं, तो चार ऑप्शन दे देगा, साथ में उसमें ये भी दिया रहेगा। तो वहां पे कंफ्यूज मत होना कि किसी भी ऑप्शन में क्लोरीन तो है ही नहीं, तो इस पर जरा आप ध्यान रखिएगा कि CH3CH3 भी बनता है। समझ में आ रहा क्या बोल रही हूँ? चलो अब स्टार्ट करते हैं इसका मैकेनिज्म, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है मैकेनिज्म इसका देखते हैं। तो कोई भी फ्री रेडिकल रिएक्शन जो होता है वो आपका पहला होता है चेन इनिशिएशन स्टेप, इनिशिएशन स्टेप मतलब यहाँ पर आपके फ्री रेडिकल्स डेवलप होते हैं, इनिशिएट होता है, मतलब आपको जो रिएक्शन हो रहा है वो शुरुआत हो रहा है, इनिशिएट हो रहा है और आपका फ्री रेडिकल इसमें डेवलप होते हैं। दूसरा स्टेप होता है चेन प्रोपगेशन स्टेप, चेन प्रोपगेशन स्टेप। तीसरा होता है प्रोपगेशन, मतलब चेन जो आपका प्रोडक्ट आपका जो बन रहा था CHCl3 CH2Cl2 ये सब आपकी चेन प्रोपगेशन में बनेंगे, ठीक है, काफी लंबा रिएक्शन आपका इसमें बढ़ते जाता है। और लास्ट होता है चेन टर्मिनेशन स्टेप, टर्मिनेशन स्टेप, ठीक है। चेन टर्मिनेशन मतलब कि यहाँ पर आपका जो रिएक्शन है वो टर्मिनेट कर गया, वो आपका खत्म हो गया रिएक्शन, आपका फाइनल प्रोडक्ट बन गया, खत्म हो गया रिएक्शन, ठीक है। तो ये तीन स्टेप में हम अभी आपको बताएंगे कि कैसे फ्री रेडिकल सपोजिशन रिएक्शन यहाँ पर होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, कॉपी पेन लेके बैठे अच्छे से, और जो जो मैं आपको बताऊंगी बहुत ध्यान सुनिएगा, ठीक है। तो पहला स्टेप है यहाँ पर चेन इनिशिएशन स्टेप, इनिशिएशन स्टेप, ठीक है। इस स्टेप में क्या होता है, आपका फ्री रेडिकल डेवलप होता है। तो इस केस में आपका जो Cl2 का जो मॉलिक्यूल है, Cl2 का मॉलिक्यूल, ये जैसे ही इसमें एच न्यू आता है या अल्ट्रावायलेट रेज आती है, तो क्या होता है कि ये आपका जो बॉन्ड है वाइब्रेट करने लगता है और यहाँ पर होमोलिटिक फ्यूजन होने लगता है, ठीक है। आप वर्डिंग में एग्जाम में जरूर लिखिएगा कि यहाँ पर कौन सा फ्यूजन हो रहा है, यहाँ पर आपका होमोलिटिक, क्योंकि फ्री रेडिकल डेवलप हो रहा है ना, तो होमोलिटिक फ्यूजन यहाँ पर हो रही है, होमोलिटिक फ्यूजन की वजह से ही फ्री रेडिकल बनते हैं। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ये ले लिया क्लोरीन, एक इलेक्ट्रॉन पेयरिंग का ये ले लिया, तो दो फ्री रेडिकल यहाँ पर डेवलप हो गए क्लोरीन के, ठीक है, होमोलिटिक फ्यूजन से। नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, स्टेप नंबर यहाँ से भी करती हूँ, काफी बड़ा रिएक्शन है इसलिए मैं थोड़ा सा जगह का ध्यान रखूंगी, छोटा 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 भी लिखूंगी, ठीक है। तो आपका चेन प्रोपगेशन स्टेप, चेन प्रोपगेशन स्टेप, इस केस में क्या होगा, इस केस में आपका जो मेथेन लिया है आपने, जो सबस्ट्रेट आपने लिया है CH3, और यहाँ पर मैंने एक हाइड्रोजन कर दिया, ये CH4 है, ठीक है, ताकि मैं बॉन्ड ब्रेकिंग दिखा सकूं आपको। तो इस CH4 पर किसका अटैक होगा, Cl फ्री रेडिकल का अटैक होगा, ठीक है। पहले स्टेप में Cl फ्री रेडिकल बन रहा है, दूसरे स्टेप में Cl फ्री रेडिकल इस मेथेन पर अटैक किया, अटैक करने के बाद क्या होगा कि यहां से हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, क्योंकि फ्री रेडिकल रिएक्शन हो रही है तो हर जगह फ्री रेडिकल ही दिखाएंगे, आयन को नहीं दिखाएंगे, क्योंकि लाइट जब पड़ेगा तो CH4 पर भी तो पड़ेगा और Cl के साथ साथ, तो CH4 भी अपना हाइड्रोजन अपने एक इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा और CH3 अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाएगा। केवल Cl पर ही आपका लाइट नहीं पड़ रहा, इस पर भी लाइट पड़ रहा है, तो ये भी फ्री रेडिकल आपका डेवलप करेगा। तो यहाँ पर एक एच रेडिकल और यहाँ पर एक Cl रेडिकल, तो यहाँ पर क्या बन गया आपका CH3 रेडिकल प्लस HCl, ये बन गया, ये हाइड्रोजन इस रेडिकल और ये Cl रेडिकल मिलकर HCl बना लिए, बचा क्या CH3 का रेडिकल, मतलब मेथिल रेडिकल बना। तो अब आप सोच रहे होंगे कि Cl जो है वो इससे भी तो अटैक कर सकता था, इसके अलावा इसमें अटैक क्यों किया, इसमें अटैक करके HCl बना लिया, इसमें अटैक क्यों नहीं किया, आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा। तो यहाँ पर जो आप देखोगे HCl,
HCl बनने के बाद इसके बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो हाईली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगने लगता है, एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एक हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इन दोनों के बीच में आयनिक बॉन्ड बनने लगता है, जिसकी वजह से आपका ये बहुत ही मजबूत प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, आयनिक बॉन्ड बनने की वजह से बहुत मजबूत हो जाता है, इसकी स्टेबिलिटी भी बहुत बढ़ जाती है इस केस में। लेकिन Cl, अगर Cl HCl से जुड़ेगा, अगर ये Cl CH3 से जुड़ेगा तो उतनी स्टेबिलिटी नहीं बनेगी जितनी कि H के साथ जुड़ने पर बनेगी। तो कोई भी आयन, कोई भी रेडिकल अपने आप को स्टेबिलाइज ही तो करना चाहता है, तो ये Cl क्या करेगा, इस H के साथ मिलकर HCl बना लेगा। ठीक है, आगे देखो फिर क्या होता है, यहां तक हो गया। अब चेन प्रोपगेशन काफी लंबा स्टेप है, लास्ट में आएगा चेन टर्मिनेशन स्टेप। तो CH3 रेडिकल, ये CH3 रेडिकल है, ये कहां अटैक करेगा, ये वापस क्लोरीन के पास जाएगा और उस पर अटैक करेगा। मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगी कि इसे याद कैसे करना है, इस मैकेनिज्म को। ठीक है, ट्रिक भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। तो ये जो CH3 रेडिकल है, ये Cl Cl पर अटैक किया और एक Cl के साथ मिलकर, अब यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, यहाँ पर ये क्लोरीन इसके साथ रिएक्शन करेगा और Cl3 के साथ Cl जुड़ गया। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, CH3 Cl CH3 Cl, और एक रेडिकल यहां पर फ्री हो गया, ये मॉलिक्यूल है, ये रेडिकल है। तो ये फर्स्ट से इस पर अटैक करके CH3Cl के फॉर्म में निकल गया और यहां से Cl रेडिकल निकल गया। ठीक है, अब ये जो Cl रेडिकल बना है, ये Cl रेडिकल वापस अटैक करेगा इस CH3Cl पर। ये जो CH3Cl आपका प्रोडक्ट में बन रहा है, ये Cl रेडिकल जो बना है वापस इसी पर अटैक करेगा, ये उसी पर अटैक करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, इसी पर अटैक करेगा, क्योंकि ये इसको चाहिए रेडिकल और इसके पास रेडिकल है हाइड्रोजन रेडिकल, तो ये उसी पर अटैक करेगा। ठीक है, ताकि यहाँ पर स्टेबल प्रोडक्ट बन सके। इज दैट क्लियर? तो ये Cl रेडिकल फिर से इसके हाइड्रोजन रेडिकल के साथ मिलकर आपका क्या बना लेगा, HCl बना लेगा। तो अब क्या बचा, CH2Cl रेडिकल। यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे पहले देखिए CH3H है, तो ये Cl रेडिकल इस हाइड्रोजन के साथ मिलकर HCl बना लिया। यहाँ पर भी Cl रेडिकल हाइड्रोजन के साथ मिलकर HCl ही बनाएगा, लेकिन जो आपका कार्बन पे जो रेडिकल है वो केवल क्लोरीन पर अटैक करेगा, ना कि रेडिकल पर। कहाँ पर अटैक करेगा, क्लोरीन पर, क्लोरीन मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा, रेडिकल पर अटैक नहीं करेगा। ये बात आपको ध्यान रखना है, रेडिकल क्लोरीन रेडिकल हमेशा हाइड्रोजन पर अटैक कर रहा है, देख रहे हो, और HCl के फॉर्म में निकल जा रहा है, और जो कार्बन रेडिकल बन रहा है वो क्लोरीन मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा और वहां से क्लोरीन ले लेगा, क्लोरीन मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा, वहां से क्लोरीन ले लिया और एक क्लोरीन का फ्री रेडिकल बाहर निकाल दिया। ठीक है, अब ऐसे ही आप आगे करते जाओगे, फिर CH2Cl रेडिकल, CH2Cl रेडिकल, मैंने आपसे कहा ना कि ये कहां अटैक करेगा, कार्बन पर अगर रेडिकल होगा तो कहां अटैक करेगा, Cl2 पर अटैक करेगा, नॉट Cl, Cl2 पे, याद करने का ये तरीका है। फिर से ये Cl Cl पर अटैक किया और एक Cl को उसने ले लिया और Cl रेडिकल डेवलप कर दिया, क्योंकि अगर यहाँ पे Cl लेते तो Cl रेडिकल लेते तो वो हाइड्रोजन के साथ मिलकर HCl बना लेता, लेकिन ये CH2 मतलब कार्बन के ऊपर जो रेडिकल है वो केवल क्लोरीन के मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा। तो यहाँ पर आता CH2 Cl2 प्लस Cl रेडिकल। ठीक है, आगे अभी मैं फिर से आपको सब बताऊंगी, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, फिर से मैं सारा आपको क्लियरिफाई करूंगी। तो ये हो गया CH2Cl2 जो बना है प्रोडक्ट में, वापस Cl रेडिकल इस पर अटैक करेगा और फिर क्या निकालेगा, HCl। वो कहाँ अटैक करेगा, वो हाइड्रोजन पर ही अटैक करेगा। Cl रेडिकल कहाँ अटैक करेगा, हाइड्रोजन पर ही अटैक करेगा, चाहे इस केस में हो, चाहे इस केस में हो, चाहे इस केस में हो, चाहे आने वाले केस में। और जो कार्बन रेडिकल है वो कहाँ अटैक करेगा, वो केवल क्लोरीन मॉलिक्यूल पर ही अटैक करेगा, देखो चाहे इस केस में हो चाहे इस केस में हो। ठीक है, वो क्लोरीन मॉलिक्यूल पर ही अटैक करेगा, ये रेडिकल नहीं है, ये मेथेन है। कार्बन के ऊपर जब रेडिकल आएगा तो वो केवल क्लोरीन पर ही अटैक करेगा, देख रहे हो, आगे भी बनेगा। ठीक है, पूरा रिएक्शन हो जाएगा तो मैं फिर से एक बार क्लियरिफाई आपको करूंगी। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, ये Cl रेडिकल हाइड्रोजन को लेकर निकल जाएगा प्लस HCl के फॉर्म में। तो क्या बचा आपका, सी एच Cl2 और यहाँ पर एक रेडिकल डेवलप। ठीक है, अब यहाँ पर CH2 CH Cl2 रेडिकल अब ये कहाँ अटैक करेगा, क्लोरीन रेडिकल पर कि क्लोरीन मॉलिक्यूल पर, क्लोरीन मॉलिक्यूल पर Cl Cl। ठीक है, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ये लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये लेगा और फिर से CH Cl2 जो है
CHCl3 में कन्वर्ट हो जाएगा, एक क्लोरीन ये ले लिया रेडिकल और यहां से एक क्लोरीन रेडिकल सी हो गया। फिर से ये इस पर अटैक करेगा तो ये हो जाएगा CHCl3। अब क्लोरीन रेडिकल कहां अटैक करेगा, कार्बन पर कि हाइड्रोजन पर, हाइड्रोजन पर, क्लोरीन एटम हमेशा हाइड्रोजन पर अटैक करेगा। तो HCl बना के निकल गया, बचा क्या, बचा CCl3 रेडिकल। अब CCl3 कार्बन पर रेडिकल है तो ये कहां अटैक करेगा, Cl2 मॉलिक्यूल पर, ठीक है। C रेडिकल Cl3 प्लस Cl और ये कहां, इससे एक आपका ले लिया क्लोरीन रेडिकल और एक क्लोरीन रेडिकल यहां पर फ्री हो गया, तो CCl4 प्लस Cl रेडिकल। ये आपका पूरा चेन प्रोपेगेशन स्टेप यहां पर कंप्लीट हो जाता है। ये पूरा क्या है, चेन प्रोपेगेशन स्टेप है जो यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब मैं जो बताने वाली हूँ बिल्कुल आप ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि इतना लंबा है तो आप कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैं इसको समझा रही हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनना, ठीक है। तो पहले स्टेप में क्या हुआ कि क्लोरीन को आप दिखाएंगे कि वो क्लोरीन फ्री रेडिकल में डेवलप हो रहा है, चेन प्रोपेगेशन में रिएक्शन आगे बढ़ेगी, इसमें आपका मेथेन जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है वो फ्री रेडिकल डेवलप करेगा और क्लोरीन फ्री रेडिकल जो आया है चेन इनिशिएशन से वो क्या करेगा, वो हाइड्रोजन पर अटैक करेगा। Cl रेडिकल हमेशा कहां अटैक करेगा, हाइड्रोजन पर अटैक करेगा जो जुड़ा हुआ है किसी कार्बन से। Cl रेडिकल कहां अटैक करेगा, वो हाइड्रोजन पर अटैक करेगा जो किसी कार्बन से अटैच है, ठीक है। और आपका कार्बन रेडिकल कहां अटैक करेगा, Cl2 पे अटैक करेगा, मतलब Cl के मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा। कार्बन रेडिकल Cl मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा, क्लोरीन रेडिकल हाइड्रोजन पर अटैक करेगा जो कार्बन से अटैच है, ठीक है। ये चीज समझ आ रहा है ना, क्लोरीन रेडिकल हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, कार्बन रेडिकल क्लोरीन मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा इस रिएक्शन में, ठीक है। चलो अब देखते हैं, तो यहां पर आपका मेथेन न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो ये क्लोरीन रेडिकल इस हाइड्रोजन पर अटैक किया और आपका HCl में निकल गया, क्योंकि यहां पर ये स्टेबिलिटी की हाई जा रही है H और Cl के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगने की वजह से। अब यहाँ पर CH रेडिकल आपका डेवलप हो गया, तो क्या बोलेंगे, मेथिल रेडिकल, ठीक है। अब ये मैंने बताया आपको कि कार्बन पर अगर रेडिकल होगा तो वो कहाँ अटैक करेगा, क्लोरीन मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा, तो ये वापस क्या करेगा, क्लोरीन पर अटैक करेगा, क्लोरीन मॉलिक्यूल पर अटैक किया, ठीक है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हुआ तो इसका एक क्लोरीन ये लेकर CH3Cl बना लिया और एक क्लोरीन रेडिकल बन गया। फिर ये वापस क्लोरीन रेडिकल जब बना तो ये हाईली रिएक्टिव होता है, अनस्टेबल हाईली रिएक्टिव, तुरंत के प्रोडक्ट में जो बना उसी के साथ रिएक्शन करने लगता है, प्रोडक्ट में जो बना है ये उसी के साथ रिएक्शन करने लगता है, क्योंकि ये अनस्टेबल होता है, हाईली रिएक्टिव स्पीसीज होती है। ये जो आप देख रहे हो इलेक्ट्रॉन, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, हाईली रिएक्टिव है, तुरंत ये रिएक्शन करने लगेगा उसी प्रोडक्ट के साथ, ठीक है। चलो तो यहां तक हो गया, तो अब ये Cl जो है वापस इसके साथ रिएक्शन करने लगेगा, वही रिएक्शन उठाकर यहाँ पे लिख देंगे आप, ठीक है। तो ये कहाँ पर अटैक करेगा, Cl रेडिकल हाइड्रोजन पर अटैक करेगा जो कार्बन से अटैच है, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन के साथ ये मिलकर HCl बना लेगा और क्या बचा, Cl2Cl रेडिकल, ठीक है। फिर इस कार्बन पर अगर रेडिकल आएगा तो वो कहाँ अटैक करेगा, क्लोरीन मॉलिक्यूल पर, तो यहाँ पर ये क्लोरीन मॉलिक्यूल पर रिएक्शन किया, ठीक है। उसके बाद यहां से क्लोरीन को लेकर ये CH2Cl2 न्यूट्रल कंपाउंड में बन गया और यहां से Cl निकल गया। फिर Cl क्या करेगा, इसी पर अटैक करेगा, इसको उठाकर यहां लिख देंगे। फिर Cl इसी पर अटैक किया और एक हाइड्रोजन को लेकर वापस निकल गया। क्लोरीन रेडिकल हमेशा हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, कार्बन रेडिकल हमेशा क्लोरीन मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा, तो यहां पर आपका फिर से कार्बन रेडिकल बन गया, ठीक है। इसको बोलेंगे डाइक्लोरोमेथेन, इसको बोलेंगे डाइक्लोरोमेथेन, इसको बोलेंगे ट्राई मोनोक्लोरोमेथेन, इसको बोलेंगे डाइक्लोरोमेथेन, इसको बोलेंगे ट्राइक्लोरोमेथेन, ठीक है। सबका नाम है, सबको नाम को नीचे लिखते चलिएगा। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि जो आपका बना CHCl2 रेडिकल, अब ये वापस किस पर अटैक करेगा, क्लोरीन मॉलिक्यूल पर, और वहां से क्लोरीन को लेकर CHCl3 और Cl रेडिकल फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। फिर ये इसी पर अटैक किया, इसको उठाकर यहाँ लिखेंगे। फिर ये Cl क्या करेगा, हाइड्रोजन पर अटैक करेगा और HCl के फॉर्म में निकल जाएगा। फिर ये जो बना आपका ये वापस क्लोरीन मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा, फिर ये CCl4 बना लेगा क्लोरीन को लेकर और एक Cl बाहर निकल जाएगा रेडिकल फॉर्म। तो ये आपका हो गया चेन प्रोपेगेशन स्टेप, ठीक है। एक तो ये तरीका मैंने आपको बताया कि क्लोरीन रेडिकल हाइड्रोजन पर अटैक करेगा और HCl बना लेगा, कार्बन रेडिकल हमेशा क्लोरीन मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा और
क्लोरीन को एक ले लेगा और एक क्लोरीन रेडिकल के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। ये दो चीज याद रख लिया आपने। दूसरा चीज आप देखिए, इस रिएक्शन में पहले यहां पर जो चेन प्रोपेगेशन था, पहले में क्लोरीन रेडिकल फिर मॉलिक्यूल, फिर क्लोरीन रेडिकल फिर मॉलिक्यूल, फिर क्लोरीन रेडिकल फिर मॉलिक्यूल, फिर क्लोरीन रेडिकल फिर मॉलिक्यूल। ये चीज आपको अगर अल्टरनेट फॉर्म में याद रहेगा तभी आप देख सकते हो कि हाँ रिएक्शन हम सही कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए CH3 का रेडिकल है, यहाँ पर CH3Cl बन गया। CH2Cl का रेडिकल है, यहाँ पर CH2Cl2 बन गया। एक क्लोरीन ऐड करते जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर एक क्लोरीन ऐड किया, यहाँ पर एक और क्लोरीन ऐड करेंगे। ये आपका रेडिकल, ये प्रोडक्ट, ये रेडिकल, ये प्रोडक्ट, ये रेडिकल, ये प्रोडक्ट। ठीक है, क्लोरीन को हम बढ़ाते जाएंगे, हाइड्रोजन को कम करते जाएंगे। ये सब याद करने का तरीका है। ठीक है, अगर बहुत दिमाग में आपका कंफ्यूजन हो रहा है तो ये जो मैंने आपको बताया कि सीएल रेडिकल हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, ये चीज याद रखिएगा, इससे आपको बहुत सही रहेगा। ये कार्बन रेडिकल आपका क्लोरीन मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा, इससे आप रिएक्शन बिल्कुल सही कर सकते हो। दूसरा, क्लोरीन रेडिकल क्लोरीन मॉलिक्यूल, क्लोरीन रेडिकल क्लोरीन मॉलिक्यूल, इस तरह से भी करोगे तो रिएक्शन होते जाएगी, जो प्रोडक्ट बनेगा उसी पर आपका क्लोरीन रेडिकल अटैक करेगा। ठीक है, ये कुछ कुछ कंसेप्ट है। हाइड्रोजन कम करते जाएंगे, क्लोरीन को बढ़ाते जाएंगे, तो फाइनल आपका यहाँ बन गया। तो अब यहाँ पर जरा ध्यान दो, ठीक, इतना तो आपको समझ में आ गया ना इसका मैकेनिज्म प्रोपेगेशन का। ये किसी भी बुक में आप ढूंढोगे या किसी किताब में तो सब जगह अलग अलग तरीके से दिया है, इधर उधर करके दिया है। किसी में केवल CH3Cl करके ही रोक दिया है, आगे दिया ही नहीं है कि ये कैसे बनेगा CL4। ठीक है, केवल यही तक आपका मैकेनिज्म छोड़ दिया है करके, लेकिन मैं आपको पूरा मैकेनिज्म मैंने यहाँ पर समझा दिया कि CCl4 कैसे बनेगा। ठीक है, हर बुक में यही तक करके छोड़ा है, लेकिन मैंने आपको यहां तक करके दिखा दिया कि CCl4 यहाँ पर कैसे बनेगा। ठीक है, इसलिए बिल्कुल अच्छे से नोट कर लीजिए फिर कॉपी में आपको। अब क्या करेंगे कि देखो, जो मेन मेन प्रोडक्ट बन रहा था, एक बन रहा था CHCl3, एक बन रहा था CH2Cl2, एक बन रहा था CH3Cl, एक बन रहा था आपका CCl4, एक बन रहा था CH3Cl3। यही बन रहे थे ना पांच प्रोडक्ट जब मेथेन का क्लोरीन से रिएक्शन कराते हैं तो हाइड्रोजन को बढ़ाते, ये एक हाइड्रोजन यहाँ पे आपके CH3, फिर ये दो, फिर ये एक, ये हो गया, फिर ये CL4। ठीक है, और ये क्लोरीन बढ़ाते जाओ, ये भी हो गया, और ये पांच प्रोडक्ट आपके बन रहे थे। ये पांच प्रोडक्ट इसमें बने हैं कि नहीं जरा चेक करिए आप। अभी इसके पहले जो मैंने रिएक्शन लिखा था उसमें मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं, तो ये पांचों प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो फिर से मैं इसको करके दिखा देती हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे देखो CH4 का रिएक्शन जब CH2 से कराते हैं तो यहाँ पर आपका पहला प्रोडक्ट बनता है CHCl3, उसके बाद CH3Cl बनता है, पहला प्रोडक्ट आपका CH3Cl बनता है, फिर बनता है CH2Cl2, क्लोरीन बढ़ाते जाएंगे, हाइड्रोजन कम करते जाएंगे, फिर CHCl3, फिर CCl4, फिर CH3Cl3, हाइड्रोजन कम करते जाएंगे और क्लोरीन को बढ़ाते जाएंगे, और लास्ट में ये एथेन बनता है। यही पांच प्रोडक्ट बनते हैं ना। चलो देखो, यहाँ पर पहला प्रोडक्ट आपका CH3Cl बन गया, दूसरा प्रोडक्ट CH2Cl2, तीसरा प्रोडक्ट आपका CHCl3, चौथा प्रोडक्ट CCl4, ठीक है, पांचवा प्रोडक्ट एथेन आपका चेन टर्मिनेशन स्टेप में बनता है, प्रोपेगेशन में नहीं बनता है। तो ये आपका यहाँ तक नोट कर लीजिए ताकि हम आगे बढ़ेंगे चेन टर्मिनेशन स्टेप। तो यहाँ पर ही मैं आपको बता देती हूँ चेन टर्मिनेशन स्टेप, यहाँ पर जगह है। ठीक है, यहाँ पर मैं बता देती हूँ चेन टर्मिनेशन स्टेप, तीसरा स्टेप है यहाँ पर चेन टर्मिनेशन स्टेप। ठीक है, इस केस में क्या होगा, जितने भी रेडिकल्स बने हैं सब एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और न्यूट्रल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, सीएल रेडिकल जो भी बन रहा है तो बहुत सारे रेडिकल होंगे, ऐसा नहीं कि एक ही सीएल रेडिकल आपको दिख रहा है, तो जितने भी सीएल रेडिकल्स होंगे वो रिएक्शन भी कर रहे हैं। लास्ट में चेन टर्मिनेशन स्टेप में जब सीएल खत्म होने के कगार पे आएगा, तब पहले ही नहीं, जब सीएल सारा यूटिलाइज हो गया प्रोडक्ट बनाने में, यहाँ सीएल यूटिलाइज हो गया, यहाँ यूटिलाइज हो गया, यहाँ यूटिलाइज हो गया, यहाँ यूटिलाइज हो गया, तो चेन टर्मिनेशन में जब सीएल खत्म होने के कगार में आता है, तब उस केस में जब खत्म होने वाला होता है उस केस में जितने भी सीएल रेडिकल है आपस में मिलकर CL2 गैस बना लेते हैं। फिर CL2 गैस वापस अगर मेथेन डालेंगे आप
रिएक्शन में, तो वापस सीसीएल टू गैस फिर से रिएक्शन करेगा, फिर से हो रहेगा। ठीक है, तो लास्ट चेन टर्मिनेशन स्टेप में जितने भी रेडिकल्स होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं, तो सीएल सीएल रेडिकल के साथ मिलकर सीएल टू बना लिया। साथ में आपका एक और बनता है यहाँ पर जो मैथिल रेडिकल होता है, यहाँ पर देख रहे हो ये जो मैथिल रेडिकल है, ये वाला जो मैथिल रेडिकल है, ये मैथिल रेडिकल किसी दूसरे मैथिल रेडिकल से मिलता है और आपका सी एस थ्री बना लेता है, इसको बोलते हैं इथेन। ठीक है, एल्केन यहाँ पर फॉर्म हो जाता है, तो आपका एल्किल हैलाइड के साथ आपका एल्केन भी यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, इथेन भी यहाँ पर बन रहा है चेन टर्मिनेशन स्टेप में। तो आपका पांच प्रोडक्ट बन गए, 1, 2, 3, 4, 5। अब ये पूछ दे कि एथेन जो है वो कौन से स्टेप में बनता है, तो चेन टर्मिनेशन स्टेप में बनता है, हैलोजिनेशन ऑफ मेथेन का इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, तो ये पूरा क्लियर हो गया आपको। ठीक है, ये आपका था पूरा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ मेथेन। ठीक है, तो यहाँ पर एथेन कैसे बना वो भी मैंने आपको बता दिया, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज। सो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, एक टॉपिक बची हुई है एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन जो मैं कल बताऊंगी, क्योंकि आज की वीडियो काफी लंबी हो जाएगी अगर मैं उसको बताने लगूंगी तो, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आंसर्स हैं, तो कल ही उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं, पूरा अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सपोर्ट करें मेरे चैनल को, सब्सक्राइब करें, और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच, और मिलते हैं कल के क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।